आदरणीय प्रिय भक्तों, अभी तक आप लोगों ने सुना भक्त शिरोमणि नरसिंह मेहता जी के जीवन में किस प्रकार श्री कृष्णचंद्र जी की कृपा हुई, उनकी सुपुत्री कुंवरबाई की विदाई हो गई। अब आगे उनके पुत्र श्यामल दास की सगाई के संबंध में भी एक कथा का श्रवण कीजिए। भक्त भावन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की कृपा से भक्त राज कुंवरबाई की विदाई की चिंता से मुक्त हो गए। अब निश्चिंत होकर वह अपना जीवन पूर्ववत केवल भजन पूजन में व्यतीत करने लगे। उनके भजन पूजन और साधु सेवा की चर्चा नगर भर में खूब फैल गई थी। अतएव उनकी जाति के लोग अब उनसे असंतुष्ट रहने लगे थे। जाति के गणमान्य लोग तो उनसे घृणा करते थे और उनसे मिलना जुलना भी अपनी प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझते थे। परंतु परम भागवत नरसिंह राम को इन बातों की तनिक भी चिंता न थी। सच्चे भक्त इस ओर ध्यान ही नहीं देते हैं कि दुनिया उनके विषय में क्या कहती सुनती या समझती है। वैसे भी जो भगवत प्रेम में अपना परिवार अपना कुटुंब त्याग सकता है वह दुनिया की क्या चिंता करेगा। वे तो सिर्फ इस विचार में मग्न रहते थे कि हमारे प्रियतम भगवान किस बात से प्रसन्न होते हैं। संसार की बातें सुनने को उन्हें स्वप्न में भी फुर्सत नहीं मिलती थी। या यूं कहें कि भगवान के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु की सत्ता ही उनकी दृष्टि में नहीं थी। फिर दूसरी ओर ध्यान कैसे जाता। भक्तराज के पुत्र श्यामलदास की अवस्था धीरे धीरे 12 वर्ष की हो गई। माणिकबाई ने देखा कि अब लड़का भी विवाह योग्य होने को आया और हमारे घर में खाने का भी ठिकाना नहीं है। गरीब के घर अपनी पुत्री कौन देना चाहेगा, और कुल परिवार के लोग भी प्रसन्न नहीं जो इस काम में सहायता करेंगे। वे तो यही कारण दिखाकर उल्टे बाधक हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में तो पुत्र का विवाह होना कठिन ही प्रतीत होता है। एक दिन उसने अपनी चिंता पति पर प्रकट की। पति ने कहा, प्रिय तुम व्यर्थ दुख क्यों करती हो, चिंता छोड़ो, केवल श्री कृष्ण जी का ध्यान करो, सदा मन में उन्हीं को रखो। वह दयालु प्रभु अपने आप हमारे सारे कार्य यथा समय करते रहेंगे। वह स्वयं हमसे अधिक हमारे लिए चिंतित रहते हैं। उन्हीं दिनों गुजरात के बड़ नगर नामक नगर के रहने वाले मदन मेहता की पुत्री के लिए एक सुयोग्य वर की खोज चल रही थी। मदन मेहता एक प्रतिष्ठित नागर गृहस्थ थे। वह स्वयं एक राज्य के दीवान के पद पर थे और 8-10 लाख की संपत्ति भी उनके पास थी। उनकी रूपशील से युक्त पुत्री जूठी बाई विवाह योग्य हो चुकी थी। उन्होंने कई जगह सुयोग्य वर की खोज की, परंतु कहीं उनका मन नहीं जमा। अंत में कुल परिवार के लोगों को एकत्र कर उन्होंने पूछा कि पुत्री का विवाह कहाँ करना चाहिए। सब लोगों ने राय दी कि आसपास तो आपके योग्य कोई गृहस्थ नहीं है। जूनागढ़ में हमारी जाति के 700 घर बसते हैं, अतः वहाँ कोई योग्य घर अवश्य मिल जाएगा। सगे संबंधियों की सलाह के अनुसार मदन मेहता ने अपने कुल पुरोहित को एक सुंदर सुशील कुलीन और गुणवान वर की खोज करने के लिए वाहन तथा द्रव्यादि देकर जूनागढ़ भेज दिया। मदन मेहता के एक सहपाठी मित्र सारंगधर जूनागढ़ में रहते थे, अतः उन्होंने उनके नाम एक पत्र भी पुरोहित जी को दे दिया। पुरोहित जी को सब लोग दीक्षित नाम से पुकारा करते थे। जूनागढ़ के जिस मोहल्ले में नागर लोगों की घनी आबादी थी, उस बस्ती के बीचों बीच एक चबूतरा बना हुआ था।
जिस पर शाम को बहुत से लोग बैठकर गपशप किया करते थे। उस दिन भी कुछ लोग बैठकर बातें कर रहे थे। दीक्षित जी का रथ आकर खड़ा हुआ। सब लोगों का ध्यान उस ओर आकृष्ट हो गया। दीक्षित जी ने पूछा, महोदय, सारंगधर जी मेहता का घर कहाँ पर है? सारंगधर मेहता नागर जाति का एक प्रतिष्ठित गृहस्थ था। उस समय वह भी वहां संयोग से मौजूद था। उसने उत्तर दिया, कहिए महोदय, आप कहां से पधार रहे हैं? क्या काम है? मुझे ही लोग सारंगधर कहते हैं। दीक्षित जी ने रथ से उतरकर यजमान की दी हुई चिट्ठी उसके हाथ में रख दी। चिट्ठी खोलकर वह वाचने लगा। लिखा था, प्रिय मित्र श्री सारंगधर जी, सप्रेम प्रणाम। आपके पास अपने कुल पुरोहित श्री दीक्षित जी को भेज रहा हूँ। मेरी पुत्री जूठी बाई की अवस्था विवाह योग्य हो गई है। कृपा कर अपने यहाँ किसी कुलीन घर में एक वर देखकर संबंध करा दीजिएगा। आपको अपना अभिन्न मित्र जानकर यह कष्ट दे रहा हूँ। आपका मदन मेहता। सारंगधर पत्र पढ़कर उठ खड़ा हुआ और दीक्षित जी को अपने घर लिवा गया। दीक्षित जी का उचित सत्कार कर उसने अपने मित्र मदन राय जी का कुशल समाचार पूछा। बात की बात में यह समाचार सारी नागर जाति में फैल गया कि बड़ नगर से एक पुरोहित जी वर की खोज में आए हैं। चारों ओर से एक न एक बहाना लेकर लोग सारंगधर के घर पर एकत्र होने लगे। जो आता वही पहले अनजान की तरह दीक्षित जी की ओर इशारा करके प्रश्न करता, कहिए सारंगधर जी, आप महोदय कौन हैं?